प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर सुंदर साथ की जय। इन विच साची जागी बताए देवरी जीवन, श्याम श्यामा जी साथ जी, जित बैठी चूक बतर, जित बैठी चूक बतर। आप श्री महामती जी सुंदर साथ को मैं मार्ग बता रहे हैं, जिन पर चलकर आत्म जागृति का मार्ग प्रशस्त हो। आह्वान कर रहे हैं कि हे मेरे जीवन स्वरूप, मेरे सुंदर साची, मेरे प्यारे सुंदर साची, मैं आपको जीने की कला बता रहा हूं। दिव्य परम धाम, उनमें आए रंग महल के मूल मिलावे में युगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी और आपके मूल तन विराजमान है। श्री राज श्यामा जी की सुंदर स्वरूप श्रृंगार की शोभा को अपने धाम हृदय में बसाकर अपनी आत्म को जागृत करें। सुंदर साथ जी उस घड़ी को याद करें जब हमने धाम धनी से ये हंसी का खेल मांगा। अब इन खेल के आनंद को लेकर जागृत हुए और धाम धनी से परम धाम के 25 पक्षों में प्रेम लीला का आनंद ले शिरा जी श्यामा जी के स्वरूप श्रृंगार को पल पल ले। सूरत एक ही राखी मूल मिलावे माहे, श्याम श्यामा जी साथ जी, तले भूम बैठी है जाए। सुंदर साथ जी हमारे लिए स्पष्ट होकर एक सीधे सरल शब्दों में हमें हुक्म मिला है कि हम अपनी सुरता को श्री रंग महल की प्रथम भूम में आए, पांची गोल हवेली अपनी मूल मिलावे में रखी, जहां 64 थम चबूतरी पर 1000 पांखड़ी के नूरी कमल के फूल पर कंचन रंग का अति सुंदर सिंहासन विराजमान है और उन सिंहासन पे युगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी विराजी है और हम सब सखियां उनके चरणों तले बैठी हैं। अपनी सुरता को मूल मिलावे में पल पल रखना है। सुंदर साथ जी चलते हैं अपनी आत्मिक नजर को लेकर मूल मिलावे की ओर। अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं और सुखासन में बैठ जाते हैं। अपनी सुरता को अपनी निज नजर गुम्बद जी लेकर चल रहे हैं और गुंबद जी में साक्षात विराज भागी स्वरूप श्री चरणों को नमन करते धातम का मौन जप करते हैं। Thank you.
मेरे सदगुरु का नूरी स्वरूप सामने और उनका प्यार भरा मेहर भरा उनका नूरी नूरी हाथ मेरे सिर पर मेरे सदगुरु मुझे लेकर चल रहे मेरे घर मेरे परम धाम चौदह लोग को पार करते हुए अष्टावक्र सात शून्य बहुत तट को पार करते हुए आगे बेहद भूमिका को रूप पार कर रही है ब्रिज और रास की लीलाओं को देखते हुए मेरी रूह खुद को परम धाम में महसूस कर रही है दिव्य परम धाम मेरा निज घर रूह आगे बढ़ती है दिल में तड़प के धनी का दीदार करना है बड़ी राम को पार करते हुए छोटी राम को पार किया वन की नहरें पार की माणिक पहाड़ की हद को पार किया आगे जवेरों की नहरें पार की वनों की सुंदर शोभा देखते हुए कील पुल पर रूप पहुंचती है जमुना जी पर आया कील पुल सुंदर नूरी शोभा दी कील पुल से मेरी रूप पाठ घाट पर पहुंचती है नूरी दिव्य शोभा पाठ घाट की सामने जमुना जी का अति शीतल उज्जवल जल नलमाई ली सुगंधी लिए मेरे शिवराज जी का इश्क ही तो है जो जमुना जल पर कर लहरा रहा है रूह जमुना जी शीतल शीतल जल में उतर रही है और झीलना कर रही है जमुना जी की नूरी नूरी अति कोमल सुगंधित चेतन जल रूह झीलना करके खुद को देख रही है कितना नूरी स्वरूप रूह श्रृंगार सजती है इश्क का विरह का पाठ घाट को पीट पी कर रू आगे बढ़ गई है अमृत पन की मध्य रोज से होते हैं चांदनी चौक में खुद को देख रही है लाल हरी वृक्ष चांदनी चौक का देश वो आगे बढ़ रही है धाम की नूरी सीढ़ियां पार की और ठीक सामने धाम दरवाजा विशाल धाम दरवाजा रूह को आया देख के धाम दरवाजा स्वतः ही खुल गया रूह बड़ी ही नजाकत से प्यार से धाम दरवाजे को पार करती है सामने 28 स्तंभ का चौक आगे चार चौरस हवेली को पार करके मूल मिलावे में जाना है ठीक सामने शिवराज श्यामा जी का नूरी बैठक रूह को नजरों में आती है दौड़ कर इन चौरस हवेलियों को भी पार करती है और मूल मिलावा में प्रवेश करके 64वें चबूतरे पर आकर अपने युगल पिया शिवराज श्यामा जी के सन्मुख घुटनों के बल बैठकर उन्हें सिजदा कर रही है मेरी रूह शिवराज जी के बाएं चरण कमल अपने हाथों में लेती है तो मेरों के साथ मेरी पिया दूसरा चरण भी
रूह को दे देते हैं। रूह शिरा जी की अति सुंदर नूरी नूरी चरणों में नमन कर रही है, सिजदा कर रही है। चरण कमलों की सलूकी नाजुकी अंगूठी अंगुलियों की शोभा नखों की शोभा नूरी चरण कमल उनके काड़े अंगड़े झांझरी घुंघरी कामी कटला की शोभा मेरी रूह अपलक इन शोभा को निरख रही है। अब मेरी रूह श्री श्यामा जी के नूरी चरण कमलों को जो नूर की चौकी पर श्री श्यामा जी ने धरी है, नूरी नूरी चरण कमलों को रूह अपने हाथों में लेकर सिजदा कर रही है। श्यामा जी के नूरी नूरी चरण कमल अंगूठी अंगुलियों की शोभा नखों का तेज उनकी कदम तली की शोभा एड़ी की शोभा और उनके काड़े अंग में आई झांझरी घुंघरी काबी कटला की नूरी शोभा आई है। मेरी रूह श्री श्यामा महारानी जी के इन नूरी चरण कमलों पेट पे निरख रही है। अब मेरी रूह मेरे शिवराज जी के मुखारवे को निरख रही है। सुंदर सुनोना कोमल मुखारवे मेरे पिया का उनके नयन भौओं की शोभा और नासिका की सुंदर शोभा नासिका में आया बीसर उनकी लालिमा Thank you.
मेरी पिया शिरा जी की होठ पतले पतले गहरे गुलाबी रंग की, उनकी ठुड्डी की सुंदर शोभा और गालों की सुंदरता, श्रवण अंग अति सुंदर शोभायमान होते हुए उनमें कुंडलों की शोभा, मस्तक अति सुंदर, उनमें कंचन रंग का तिलक शोभायमान हो रहा है और सिर पर घुंघराले काले बाल, शीश कमल पर सिंधिया रंग की पाग बंधी है, पाग में दुगदुगी कलंगी मोतियों की लड़ी सुंदर शोभायमान हो रही है। मेरी रूप मेरी प्रिया के सुंदर सलोने मुखार दिल की एक तक दर्शन कर रही है, पिया जी का मुस्कुराता मुखार दे। मेरे शिवराज जी ने श्वेत रंग का जामा धारण किया है, अति सुंदर श्वेत रंग का जामा जो मेरे पिया के काढ़े अंग तक गया है। मेरे पिया ने
केसिया रंग की इजार धारण की है। श्वेत जामे में झलकती इजार बहुत ही सुंदर लग रही है। कमर में नीलू न पीले रंग का पटका बांधा है, जिनमें आए न उनकी छलका रूप पिया के प्रेम प्रीति में डुबो रही है। और मेरे शिवराजी के वक्ष स्थल पर आए हारों की शोभा, उनमें आई दुगदुगी, हीरा मानिक मोती नीलवी और लसनिया के अति सुंदर राम। राज्य के हाथों की अति सुंदर शोभा, दोनों भाई अति सुंदर कोमलता लिए और बाजू में बाजूबंद की शोभा है, जिनमें फुमक लटक रही है। पिया जी की दोनों कलाइयों में पोछी की सुंदर शोभा और उनकी अंगुलियां पतली पतली अति सुंदर, अंगुलियों में अंगूठियों की शोभा। और हथेली लाली मासी लाल ली के बारीक रेखाएं
कंचन रंग के सिंहासन पर विराजमान मेरे पिया जी की अलौकिक छव। शिवराज जी कितनी प्यारी अदा से बैठे हैं, उनका बायां चरण कमल नूर की चौकी पर, वो दायां चरण कमल बाईं चरण की जांघ के मूल पर है। मैं पिया जी के नख से शिख तक की अलौकिक शोभा को फिर निरख रही हूँ। उनके चरणों का नूरी दीदार, उनके वस्त्रों की शोभा, उनके हस कमल, उनका मुखारविंद, उनकी पाक, वो एक तक नख से शिख तक पिया जी की नूरानी स्वरूप का, उनके नूरी रूप का एक तक दीदार कर रही हूं। अब मैं श्यामा जी के मुखारविंद की सुंदर शोभा को निरख रही हूँ। सुंदर सुलोना मुखड़ा मेरी श्यामा महारानी का, उनकी तिरछे तिरछे नयन, काली काली भौहें, भ्रुकुटी की शोभा, अर्श के गुलाबी रंग में लालिमा छाई, नासिका में मुरली की शोभा और उनके पतले पतले होठ लालिमा से भरपूर, और उनके गालों की शोभा, श्रवण अंग उनमें आई पानली की शोभा, और उनकी दंतावली के दर्शन मेरी रूह एक तक निरख रही है। उनकी कोमल कोमल सलू के लिए गर्दन और काले काले
बालों की शोभा, सिंदिया रंग चढ़ाव की नूरी साड़ी का पल्ला, राखड़ी के ऊपर नीलवर से ली राखड़ी, लाल मांग पर उन पर पांडड़ी की शोभा, श्यामा जी के नूरी वस्त्राभूषण, हरित रंग की चरणिया बेशुमार नगों से जड़ी, सिंधिया रंग चढ़ाव की अति सुंदर साड़ी और श्याम रंग चढ़ाव की कंचुकी, मेरी श्यामा महारानी जी के गले में कंठसड़ी हीरा मानिक मोती नीलवी लसनिया और चमकली के हार शोभाए माने, और इन हारों में नव जड़े फुमक लटक रहे हैं। मेरी रूह श्यामा जी के हस्त कमलों को अपने हाथों में लेकर उनकी नाजुकी सलूकी को महसूस कर रही है। पतली पतली गोरी गोरी अंगुलियों के नाखून लालिमा लिए, हथेली की कोमलता सलूकी, आठ अंगुलियों में आठ मुद्रियां,
एक अंगूठी में कंचन का छल्ला और दूसरे में हीरे की आरसी, जिनमें मेरी श्यामा महारानी अपना नख से शिर तक का सिंगार ले रख रही है। उनके दोनों बाजू में बाजूबंद कलाई में पहुंची नव घड़ी नव चूर सुंदर शोभाए माधे। मेरी रूह युगल पिया मेरी शिवराज श्यामा जी की सुंदर शोभा को एक तक निरख रही है। और मेरी रूह की नजर जाती है मेरे शिवराजी की आसमानी रंग की महीन पिछोर, कितनी प्यारी अदा से धारण की है। संपूर्ण हारों का दीदार उनमें से होता हुआ उनकी मेहरों की छांव तले हम सब रोए। Thank you.
नूरी कंचन के रंग के जगमगाती सिंहासन पर विराजी मेरी युगल पिया। नूरी शोभा लिए कमल के फूल पर छह पाए छह डांडों का अति सुंदर सिंहासन, एक एक डांडे में जवेरातों के दस दस रंग झलक रहे हैं। छह डांडों पर छह कलश और दो कलश छतरियों के ऊपर जवेरों की लटकती झाल और मेरे शिवराज श्यामा जी के ऊपर माणिक के लाल रंग की फूल की सुंदर छतरियां। सिंहासन पर पश्चिमी बिछोना एक गादी दो चाकले और पांच तकिए शोभा ले रहे हैं। नूर की दो चौकियां हैं जिन पर युगल पिया मेरे श्री राज श्यामा जी अपना चरण कमल रखकर विराजमान। संपूर्ण मूल मिलावी की अलौकिक शोभा चौसठ थम चबूतरा। और इन थंबों के बीच में आए कठेड़ों से लगते तकियों की सुंदर शोभा। और हम सब सखिया गलों में गलपहिया डालकर सरसट कर बैठी हैं। इनके बीच मुझे अपनी परातम भी नजर आ रही है। मेरा स्वरूप श्यामा जी की तरह अति सोना। चौसठ थम चबूतरे पर पिया जी की नूरी बैठक हम सखियों की बैठक घेर कर आई थम मंदिरों की शोभा। मैं मूल मिलावे की अलौकिक सुंदरता को एक तक देख रही हूं। चौसठ थम चबूतरे की किनार पर सुंदर नूरी थम आए हैं। सुंदर शोभा लिए थम पूर्व दिशा में दो पांच के थंबों के मध्य हरित रंग का द्वार और इनके दाएं बाएं नीलवी के थम सुंदर जगमगाहट कर रहे हैं। पश्चिम दिशा में नीलवी थम
दो नीलवी थम उनके मध्य सुंदर द्वार की शोभा और दाएं बाएं पांच के थम उत्तर दिशा में मुखराज का द्वार दाएं बाएं माणिक के थम शोभायमान हो रहे हैं। दक्षिण दिशा में माणिक का द्वार दाएं बाएं मुखराज के थम अति सुंदर आमने सामने इन चबूतरों के द्वारों की सुंदर शोभा झलकार करती हुई और इन चार द्वारों के मध्य सुंदर थंबों की झुकती उनमें हीरा लसनिया गोमादी मोती पाना परवान हीम चांदी नूर कंचन पिरोजा और कपूरिया के थम आमने सामने थंबों की सुंदर झलकार इन 64 थंबों को भराए के नूरी चंद्रवा हरे रंग का सुंदर नूरी चंद्रवा मोतियों से सुंदर लवरेज मेरे श्री राज श्यामा जी की नूरी बैठक और सखियों की बैठक के ऊपर इन चंद्रमा की अलौकिक शोभा मूल मिलावे की अलौकिक शोभा को मेरे पिया श्री राज श्यामा जी की नूरी छप को हृदय में लिए वापिस मुड़ती है। मूल मिलावा की हवेली से बाहर निकलती है चौथी चौरस हवेली से तीसरी चौरस हवेली में आती है दूसरी हवेली में आती है पहली हवेली रसोई की हवेली को पार करते हुए 28 थम की चौक में आती है आगे धाम दरवाजा उनको पार करके रू दो मंदिर की चौक में है और सामने चांदनी चौक के सुंदर नजारे लाल हरे वृक्ष की सुंदर शोभा चांदनी चौक को पार करते हुए अमृत वन की मध्य रोज से होते हुए वो आगे बढ़ गई है पाठ घाट पर पहुंची पाठ घाट से केल पुल आई केल पुल से बड़ो वन की सुंदर शोभा देखते हुए जवेरों की नहरों तक पहुंची आगे जवेरों की नहरों की फिरावी को पार किया हर शहर में वृक्षों फूलों पत्तियां हो थम्बों मोलाते हो रूह को श्री राज श्यामा जी का नूरी दीदार होता हुआ पिया पल पल मेरे साथ है। आगे माणिक पहाड़ की हर लालिमा छाई हुई जरे जरे में पिया संग लिए सुख कि मैं श्री राज श्यामा जी के साथ उनकी नजरों से नजर बांध के झूला झूल रही हूं वन की नहरों की सुंदर शोभा को देखते हुए छोटी राम में चार हार हवेली को पार करते बड़ी राम में आई और सरस सागर धनी की मेहरों का सागर सभी नियामतों का सागर शिवराजी की प्रेम प्रीति लाड उनकी मेहर उनका इश्क पल पल रूह को महसूस होता हुआ सागर की नूरी शोभा रंगों नगों में छिल मिलाती वनों की सुंदर शोभा महाबिलंद हवेलियों की शोभा चारों कोनों में बेटी के मैदान जहां भी नजर जाती है
आप भी शिवराज शर्मा जी का स्वरूप नजरों में उभरता हुआ कहीं पिया के सब सागर में नौकायन कर रही है तो कहीं इंडोलों में बैठे हुए एक तक शिवराज शर्मा जी के स्वरूप को दिल में लिए है आप शिवराज जी शर्मा जी के स्वरूप को दिल में लिए तो बड़ी राह को भी पार करती है आगे बेहद मंडल से होते हुए शब ब्रह्मांड में आती है और अपने नश्वर तन में खुद को देख रही है कि मेरे पिया मेरे शिवराज जी मेरे श्री श्यामा जी मुझे पल पल अपनी चरणों तले रखना हे मेरे पिया मैं आपकी हूँ सिर्फ आपकी आपकी ये नूरी चरण मुझसे कभी ना छूटे मोल मिलावा अपना नजर दीजिए इत पलक न पीछे फेरिए जो इश्क अंग उपजत जो मूल स्वरूप है अपने जाको कई ही पर आतम सो पर आतम लेके विलसिए संग खसम विलसिए संग खसम प्रणाम जी।